नौजवान साथियों, भाई करण चौटाला और मेरे साथ आए सरपंच साहब बाजरा विधानसभा क्षेत्र से, मैं सबका क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। रवि माधु सिंह अरणिया वाली दो गांव में जनसभा और करनी है। हालांकि शुभ किसान मोर्चा के किसान साथी आपको बता गए होंगे कि काले कानूनों के खिलाफ कैसे लड़ाई मजबूत होती जा रही है, कैसे अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया। साथियों, ये चुनाव मध्यावधि चुनाव समझो और बाई इलेक्शन समझो। चौधरी अभय सिंह चौटाला के इस्तीफा देने की वजह से, वार इस्तीफा देने की वजह थी तीन काले कानून, और एक काले कानून लेकर के आई बीजेपी, और बीजेपी वापिस चुनाव में आकर के ये कह रही है कि जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। हम तो ये बताना चाहते थे, और अभय सिंह इस्तीफा देकर के ये बताना चाहते थे कि पूरे देश के विधायकों ने अगर ऐसे तय कर लिया और सांसदों ने ऐसे तय कर लिया कि तुम्हारे काले कानून मानेंगे नहीं, और ये तय करके फिर वापिस जनता के बीच जाएंगे, तो किसान के पाले में गेंद है कि आप किस तरीके से और ज्यादा जनादेश के साथ अभय सिंह को हरियाणा की विधानसभा में भेजो ताकि काले कानून बनाने वालों के कान खड़े हो। साथियों, ये लड़ाई सिर्फ एक विधानसभा की एक विधायक की जीतने की लड़ाई नहीं, ये साबित करने की लड़ाई है कि आपके कानून सही नहीं। ये तीन काले कानून जो केंद्र की सरकार लेकर के आई कोरोना के समय, जब किसान पर आम जनता पर संकट था, भाई खेत से फसल लाने के लिए परमिशन की जरूरत थी, देश में सब कुछ बंद था, लोग मौत के मुंह पर खड़े थे, कोरोना के नाम से लोगों को ये कहा जा रहा था। कानून उस समय लाए गए जब देश की जनता को ये बताया जा रहा था कि बाहर निकलोगे तो मर जाओगे, हाथ की चीजें मिला लिए जाओगे तो मर जाओगे, और खुद अदानी और अंबानी से हाथ मिलाए बैठे थे केंद्र के अंदर। किसान भाइयों, बड़े समर्थ गांव रूपावास के चौक में खड़ा कह रहा हूं मैं, आपके नजदीक की विधानसभा जहां आपने मुझे विधायक चुनने के लिए मदद भी खूब की इस इलाके के लोगों, मैं पूरे होशवास के साथ कह रहा हूं ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ विधायकी की नहीं है, ये लड़ाई काले कानूनों के खिलाफ ये बताने की खट्टर साहब और मोदी साहब तुम गलत हो, तुमने जो कानून बनाए हैं ये किसान के जनता के हित में नहीं है। भाई उन लोगों को ये बात स्पष्ट बता देनी है जो लोग बेरोजगारी का आंकड़ा छुपा चुके हैं, ये बात उन लोगों को बता देनी है जो किसान की आत्महत्या का आंकड़ा छुपा रहे हैं, ये बात आपको स्पष्ट उन लोगों को बता देनी है जो आपकी जमीन छीनना चाहते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आपके बगल में जो रेल जाती थी सरसा से, आपके बगल में गोगामेड़ी से होकर के जो रेल जाती थी जिस पर भारतीय रेल लिखा होता था, बेईमानों ने उस रेल पर अदानी रेल लिख दिया। मैं आपको बता दूं कि परसों हमारा राजस्थान का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में बैठ गया था और पायलट को कहा कि उड़ा दे, वायरलेस आया एयरपोर्ट वालों का, बोले उड़ा मत दिए, पहले रिपीए दे, तेरा बाप का को नहीं एयरपोर्ट अडानी का यार। ये परसों मुख्यमंत्री को कहा है, तुम और हम तो किस बात की मूड़ी है, ये देश बिगड़ रहा है बाबा, ये बेईमान कहते थे कि आपके अच्छे दिन आएंगे, अंबानी और अडानी की संपत्ति बढ़ी है और रूपावास के किसान की संपत्ति घटी है, इस बात को समझने की जरूरत है। मैं आप सब साथियों से बात करना चाहता हूं कि आज देश में एक मैसेज जाएगा, अगली बार जब ये दो चलेगा तो बहुत सारे विधायक हिम्मत करेंगे कि हम इनके खिलाफ खड़े हो। भाई वो राजस्थान की विधानसभा चल रही थी, वो तरफ आया था कोई गुजरात अहमदाबाद, मैंने उस दिन एक स्लोगन लिखा ट्रंप गो बैक, पूरे हिंदुस्तान में 4500 एमएलए विधायक और विधान परिषद के मेंबर हैं, पूरे देश में किसी ने विरोध नहीं किया, मैंने विरोध किया। अगले दिन अखबार में सभा के बलवान पुनिया ने विरोध किया, तो मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि क्यों किया आपने विरोध, मैंने कहा यार ये साम्राज्यवादी है, ये सांप्रदायिकता को पसंद करता है, ये उपनिवेशिक देशों में तेजी से निजीकरण की नीतियों को लागू करता है, इसलिए हमारी बढ़ती नहीं है ट्रंप के साथ, इसलिए मैंने ट्रंप गो बैक का नारा दिया है। पर ये
मोदी का बहुत अच्छा दोस्त है। जब मोदी जी जब वो हार गया और सत्ता नहीं छोड़ रहा था तो मोदी जी बड़ा दर्द हो रहा था कि यार हमारा आदमी हार कैसे गया। मैं कहना चाहता हूँ खट्टर साहब को, चाहे तुम पुलिस की गाड़ी 5 कर लो, 7 कर लो, तुम्हारी चिमनी तो बुझेगी 30 मिनट। इतने बात की पुलिस ले आओ, काले ले आओ, पीले ले आओ, जो भी है उन्होंने अभी भी हार नहीं मननी है। रूपांतरण कभी आपको गलतफहमी हो जाए, ये क्या है कि सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक वोट डलवाएंगे, अभी भी झगड़ा करवाने की फिराक में, और तुम्हारे रहना 5 बजे फारिग कर दियो सारा, आपने तो कर दियो फारिग, फिर बाहर नहीं कोई कुचुर कुचुर के बैठ गए, झगड़ो नहीं करो बिठा आगे कहो जितना मैं घेर दे बोलना के मर रहे हैं सर के तू 10 बजे बोले सारी रात गिरा बोल। अभी भी वो इश्क बची में मैं आपको बता दूं, मैं यूं ही नहीं आया इलेक्शन, पहले 5 दिन पहले लोग ये कह रहे थे बोले अभय सिंह जीत रहा है विधायक जी, हमारा कैंप चलेगा हम प्रशासन काम के संग ये के करोगा, मैं कह ना मैं जाऊंगा दुश्मन को कोई छोटो को नहीं, सांप को के छोटो के मोटो, अरे तो बंटी हो रहे सारी कट्टर से तो मुंह ही है। मुख्यमंत्री बयान पलट गया, जुगा को लठा गए तेल लगा लियो, और चौथे दिन पलटी को मेरे बेटो गिलती मार गए बोले वो जो मैंने कहा था वो मैंने गलती में ये कह रहा था बेईमान किसानों के गांव गांव में संगठन बढ़ा दो झगड़ा करने के लिए, किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए लठों के तेल लगा लियो ये कह रहा था। खतर साहब गलत फंस गए, सांप आ जाए ना सांप तेरी जोगन लठने को नहीं टिके, एड्डी मारने फड़ गुजर दे जो बावड़ो है किसान कन्नूला के सांप आज पड़ोसी ने लो मारा के सांप सांप मार के केक मार दियो सांप आज सांप या 30 तारीख ने शाम ने सांप मार के सांप पीनी है पहली ना पी कोई रहा नॉर्मल ना पड़ेगा जी देर कोई रहा रे शाम ने सांप मार के सांप पीनी पहली मत पियो, जिम्मेदारी आपकी देश देख रहा है इस विधानसभा के उपचुनाव की तरफ, देश देख रहा पूरे देश की निगाह, बीजेपी नहीं जीत जाए चारों बॉर्डरों पर जो किसान बैठे, शाहजहांपुर बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, 12 महीने से किसान बैठे जिनके बराबर घास उग गई, जिनके बराबर फसल उग गई, एक किसान से लेकर के 700 किसान शहीद हो गए, लखीमपुर खीरी के किसानों को पैदल जाते हैं किसानों को बीजेपी के घमंडी लोगों ने केंद्रीय मंत्री के बेटे ने कुचल दिया, वो कुर्बानी वो शहादत आपसे सवाल करेगी कि बताओ बताओ आप खतर को कितना बुरी तरीके से हराओगे, ये शहादत आपसे सवाल कर रही है। कहना चाहता हूं मोदी जी से, आपसे पहले भी कई बादशाह थे, उनको अपनी बादशाहत पर बहुत भरोसा था, उनको अपने आप में खुदा होने का बहुत भरोसा था, आज ना खुदा रे ना वो बादशाह रे, तुम्हारी बादशाहत भी चली जाएगी और तुम कह रहे हो झोला उठा करके हम चल देंगे। मैं कहना चाहता हूँ हिटलर की चाल जो चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा, झोला उठा के नहीं जाएगा। किस बात का मुगा होता है मोदी जी कि तुम झोला उठा दोगे चल पड़ोगे, तुम हमारे बेटों की हमारे भाइयों की हमारे किसानों की कुर्बानियां लेकर के तुम झोला उठा के चलो, गलतफहमी के शिकार है आप, ना तो इतिहास जानते और ना आप दुनिया का भूगोल जानते, आप किसान से फंस लिए, तुमने रेल बेची, तुमने तेल बेचा, तुमने कोयला बेचा, तुमने बिजली बेची, तुमने सारा निजीकरण किया, लेकिन हम जल जंगल जमीन नहीं बिकने देंगे, इस बात के लिए आपके बीच में आया, आने वाली 30 तारीख को जल जंगल जमीन बचाने के लिए वोट देंगे, अभय सिंह चौटाला को जिताएंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।